वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध प्रेमा भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और ये शुद्ध प्रेमा भक्ति हमें एकादशी व्रत के पालन से ही प्राप्त हो सकती है। इस कलयुग के समय में अगर भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो एकादशी व्रत का पालन एक सरल उपाय है। एकादशी के पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसी मार्ग पर चलते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी ही परम पावन एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी है, जिसका पालन संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति के जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, एकादशी के पुण्य फल से वो अपनी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर सकता है। तो चलिए इस पापांकुशा एकादशी के शुभ अवसर पर उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से सभी एकादशी के महत्व के विषय में बता रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से अश्विन मास में आने वाली एकादशी का महत्व पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, अश्विन मास में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का पालन करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझ पर कृपा करें और इसका वर्णन करें। तब हंसते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है और वो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इसलिए इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, मैं समस्त पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी के महत्व का अब वर्णन कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। व्यक्ति को इस दिन कमलनाभ भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह पद्मनाभ की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को इस जगत में समस्त स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है और अंततः वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। गरुड़ासीन भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति उन सभी पुण्यों को प्राप्त कर सकता है, जिसकी प्राप्ति उसे अपने इंद्रियों पर कठोर संयम करके घोर तपस्या करने से प्राप्त होती है। भले ही कोई व्यक्ति ने घोर अपराध किए हो, लेकिन वो उसकी प्रतिक्रियाओं से भगवान विष्णु को मात्र एक बार श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने से भी मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। विशेषकर एकादशी पालन करने वाले ऐसे भक्तों को कभी भी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता और ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन व्रत पालन करने से अर्जित पुण्य के 16वें भाग की तुलना 100 अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजसु यज्ञ के पुण्य से भी नहीं की जा सकती। वास्तव में तीनों लोकों में भगवान पद्मनाभ के दिन एकादशी व्रत पालन के समान पापों से शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं है। हे राजन, जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के इस पवित्र दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, तब तक वो पापी रह जाता है और उसके पूर्व जन्मों के पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो भी मुक्ति का इच्छुक है, स्वर्गिक लोकों में उन्नत होना चाहता है, सुंदर स्त्री या पुत्र संपदा का इच्छुक है, उसे इस पापांकुशा एकादशी का पालन करना चाहिए। जो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसे तो अवश्य ही इस पापांकुशा एकादशी का पालन करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी से प्राप्त पुण्य गंगा पुष्कर कुरुक्षेत्र में स्नान से भी अधिक है। इस एकादशी पर व्यक्ति को संपूर्ण रात्रि भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण कीर्तन और सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, जो इस एकादशी का पालन करता है, उस व्यक्ति की माता पिता और पत्नी की पूर्व 10 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है और वे सभी पूर्वज अपने वास्तविक चतुर्भुज धारण करके वैकुंठ लोक को गमन करते हैं। सुंदर पीताम्बर और माला धारण करके सर्प के शत्रु गरुड़ के पीठ पर आसीन होकर आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, भले ही ये किसी भी आयु वर्ग का भक्त हो, लेकिन पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन करता हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। व्यक्ति को इस दिन स्वर्ण तिल उपजाऊ भूमि गाय जल
छाता और एक जोड़ी जूते दान करने चाहिए। ऐसे भक्त को पापियों को दंडित करने वाले यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। हे राजन, विशेषकर पापांकुशा एकादशी के दिन एक दरिद्र व्यक्ति को भी अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए और पवित्र कार्य करने चाहिए, और समृद्ध व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि उनके ये समृद्धि पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण है, अतः उसे भी जन कल्याण के कार्य में संलग्न रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अश्विन मास में आने वाली पापांकुशा एकादशी का महत्व समझाया। तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर इस पवित्र एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। तो इस एकादशी का पालन करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अपने नित्य कार्य पूर्ण करें, स्नान इत्यादि से स्वच्छ हों और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर गंगा जल से घर और पूजा घर को स्वच्छ करें, भगवान की मंगला आरती करें। अगर ये संभव नहीं है तो ऑनलाइन भी उसका दर्शन कर सकते हैं। तत्पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें और फिर तुलसी देवी को पर्याप्त मात्रा में जल अर्पित करके उनके समक्ष दीपक जलाकर तुलसी देवी की 3 बार प्रदक्षिणा करें। अब उसके बाद उनके सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करें, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन इस महामंत्र की 16, 25 या 32 माला का जप करना चाहिए। एकादशी के संपूर्ण दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए, भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का पाठ या फिर श्रवण करना चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए और भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल या फिर उससे बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ। अगर आपके लिए संपूर्ण निर्जल और बिना अन्न के उपवास करना संभव ना हो तो आप फल, दूध, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। संध्या के समय में भी भगवान की सेवा पूजा करें और तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और महामंत्र का जप करें। एकादशी के संपूर्ण दिवस अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा पूजा और आराधना में लगाएं। व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट ना करके भगवान श्री कृष्ण की कथा कीर्तन में अपना समय व्यतीत करें और फिर अगले दिन भगवान की सेवा करके उनको स्वादिष्ट पकवान का भोग लगाएं, भोजन सात्विक बनाएं और फिर निर्धारित समय पर भगवान का प्रसाद लेकर अपना पारण कर अपना उपवास पूर्ण करें। इस दिन संभव है तो अपने घर पर किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद करवाएं और उन्हें यथाशक्ति दान दें। लेकिन याद रहे, एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर और यथोचित विधि विधान से ही होना चाहिए। अगर आप इस पारण की विस्तृत विधि जानना चाहते हैं तो वो हम कल इसी चैनल पर लेकर आएंगे। और इसे देखने के लिए आप 2 कार्य कर सकते हैं। पहला तो ये कि अगर अभी तक आपने इस चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और दूसरा कार्य ये कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां समय समय पर हम उस ग्रुप में एकादशी से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं। तो इस प्रकार विधि विधान के साथ संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से एकादशी का पालन करके भगवान से प्रार्थना करें और एकादशी पुण्य फल को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए उनसे उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तो ये थी पापांकुशा एकादशी का महत्व दर्शाती हुई कथा। याद रहे, ये एकादशी चातुर्मास के पवित्र समय में आ रही है, इसलिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आने वाले कार्तिक मास में हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कृष्णायन प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की यथारूप बाल लीलाओं पर आधारित है। तो अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान का ये प्रचार कार्य अच्छा लग रहा है तो इस प्रोजेक्ट को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके सहयोग से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रचार जन जन तक होगा और इस पवित्र चातुर्मास में इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है। तो चलिए इस पापांकुशा एकादशी के पवित्र पावन अवसर पर हम एकादशी देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की अपार भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।